वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं मनप्रीत सिंह आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक अमेजिंग मॉलिक्यूल जिसका नाम है कैफीन। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला पदार्थ। 8 बिलियन की इस दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन कप कंज्यूम होते हैं एवरीडे। 90% अडल्ट और 50% किड्स कंज्यूम करते हैं कैफीन एवरीडे। ऐसा क्या है इस मॉलिक्यूल में? डिस्कशन से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में स्पेशलाइज नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आएगी वो हुबरमैन लैब पॉडकास्ट से ली गई है। अगर आपको नहीं पता हुबरमैन लैब, एंड्रयू हुबरमैन जो न्यूरो साइंटिस्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने रिसेंटली एक एपिसोड किया था कैफीन पे, साइंस ऑफ कैफीन। 2.5 घंटे का एपिसोड है। बहुत सारे लोग हैं, इनकी अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों में, 2.5 घंटे का एपिसोड नहीं देखते। मैंने कोशिश की है कि 10-15 मिनट में आपको सारे बिग टेकअवेज दे दिए जाए। बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश कंटेंट इतना नहीं देखते, इसलिए मैंने सोचा हिंदी में क्यों ना आपके लिए कंटेंट लेके आया जाए और जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपको। पहले सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट स्टिल एज ए जर्नल मैं बहुत क्यूरियस इन चीजों में। अक्सर डिस्कशन होता रहता है मेरा फ्रेंड से, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया मुझे वीडियो बनानी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया। ये मेरी पहली वीडियो है साइंस रिलेटेड और ऐसी और भी आती रहेंगी गाइस। आई होप यू विल लाइक इट, एंजॉय इट। सो हम आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि कैफीन हमें अलर्ट बनाती है और नींद और थकान को दूर करती है, पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैफीन रीइंफोर्सर का भी काम करती है। बहुत सारे फूड्स और ड्रिंक्स में कैफीन पाई जाती है। हम वो फूड और ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, इवन वी डोंट नो कि उसमें कैफीन है या नहीं। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है ये, सो बहुत ही रीइंफोर्सिंग, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं इवन वी डोंट नो कि उसमें कैफीन थी। ये चीज गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। आपको कुछ फूड और ड्रिंक्स के लिए आप एडिक्टेड भी हो सकते हो, तो कैफीन रीइंफोर्सर का काम करती है, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। अब हम रीइंफोर्सर को समझते हैं। आप सोचते होंगे ये रीइंफोर्सर होता क्या है। दरअसल जब हमें रिवार्ड मिलता है कोई भी हार्डवर्क करने के बाद, जैसे कि कोई ट्रॉफी, फाइनेंशियल आउटकम, कॉलेज डिग्री, रेकॉग्निशन, कामयाबी एक्सेट्रा, ये सब रिवार्ड्स कॉन्शियस होते हैं, हमें पता होता है। पर हम खुश क्यों हैं? रीइंफोर्सर सबकॉन्शियस होते हैं, हमें पता नहीं होता दरअसल कि हम खुश क्यों हैं। ऐसे ही कैफीन काम करती है। जिन फूड्स और ड्रिंक्स में कैफीन पाई जाती है इवन हमें पता भी नहीं होता, तो भी हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सो आप देखेंगे बहुत सारे सोडा, लोग बहुत एडिक्टिव हैं। उसका मेन रीजन शुगर नहीं है, उसमें कैफीन भी होती है। अगर आप देखो अच्छे से उसके न्यूट्रिशन उसमें जाके, उसमें कैफीन भी अवेलेबल होती है, इसीलिए लोग खींचे चले जाते हैं कैफीन की तरफ भी। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैफीन पीनी चाहिए या नहीं, कैफीन गुड है या बैड, अगर पीनी चाहिए तो कितनी पीनी चाहिए, सभी सवालों के जवाब आपका भाई देगा। सो आप जुड़े रहें। बेनिफिट्स की बात करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, नंबर 2 एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स, नंबर 3 परफॉर्मेंस इनहांसिंग इफेक्ट्स, मेंटली और फिजिकली बोथ। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। आप लोगों को पता होगा बहुत सी बीमारियां होती है, पार्किंसन जैसी, अल्जाइमर जैसी डिसीज, जो कि न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेन में। न्यूरो प्रोटेक्टिव कैसे कैफीन होती है, सबसे पहले हम समझते हैं। हमारे ब्रेन में 3 केमिकल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डोपामीन, एसिटोकोलिन एंड एपिनेफ्रिन। डोपामीन का काम होता है, आपको मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा इधर स्टफ, बहुत ही इजी वे में बता देता हूँ कि डोपामीन क्या काम करता है। डोपामीन एक मॉलिक्यूल ऑफ प्लेजर है और मोटिवेशन है। अगर आपके अंदर डोपामीन है, आप अपनी बॉडी को हिलाओगे, कुछ मोटिवेट होगे कुछ करने के लिए। और एसिटोकोलिन आपकी फोकस को नैरो करता है। जब भी आप लर्निंग करने बैठे हो, अगर आपकी उस टाइम ड्यूरिंग लर्निंग अगर आपके ब्रेन में एसिटोकोलिन रिलीज नहीं हो रहा है, आप जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो आप रेंडर नहीं कर पाओगे अपने ब्रेन में। जैसे बहुत सारे लोग बहुत चीजें पढ़ते सुनते हैं पर वो उनको याद नहीं रहता, थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं, ब्रेन में सेव नहीं होता, क्योंकि एट द टाइम उनके ब्रेन में एसिटोकोलिन रिलीज नहीं हो रहा था। और तीसरा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का काम होता है मेंटल एनर्जी। जैसे कभी भी आपको शॉक लगे, आप थके हुए घर पे आते हो, कुछ भी एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो आपको एनर्जी मिलती है वो एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, वो आपको न्यूरो एनर्जी देता है। सो ये 3 केमिकल्स मेन होते हैं जब आप कैफीन पीते हैं। ये तीनों केमिकल्स रिलीज होते हैं हम ब्रेन में, जो डिसीज मैंने अभी आपको बताया, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी डिसीज, इस बीमारी में लोगों के डोपामीन, एसिटोकोलिन और एपिनेफ्रिन बनना बंद हो जाता है। और बनता भी है तो बहुत ही कम बनता है। अगर आप रेगुलर कैफीन पीते रहते हैं, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है, आपके लेवल्स डोपामीन के, एपिनेफ्रिन के और एसिटोकोलिन के अच्छे रहते हैं। और बहुत ही लॉन्ग स्टडी से भी पता लगा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
आपके न्यूरॉन्स में, आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत ही सेफ है कैफीन, इवन आप रेगुलर कंज्यूम करते भी हो। सो दूसरा बेनिफिट, एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स। अगर आप रेगुलर कैफीन कंज्यूम करते हैं तो आप में डिप्रेशन कम होता है। ये स्टडी अभी क्लियर नहीं बताती कि ये डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं या इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। जो भी मैं इधर आपको चीजें बेनिफिट्स बता रहा हूँ, सभी की स्टडीज मैं की नोट्स में अटैच कर दूंगा। अगर आप फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप पेपर्स पढ़ सकते हो। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं कैफीन के, जैसे कि डिप्रेशन के लोगों में, लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है, जिन लोगों में डोपामिन की कमी होती है या ये जो केमिकल्स है सीटोकोलिन और एपिनेफ्रिन, पाया गया है कि जिन लोगों में ये केमिकल कम होते हैं वो ही डिप्रेशन में होते हैं। तो अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हैं, आपको पता है कि अब डोपामिन भी बढ़ता है, एसीटोकोलिन भी बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको इतना बेसिक नॉलेज पता है तो आप प्रेसिव स्टेट में नहीं रहोगे। जैसे एक प्रॉब्लम भी है कैफीन के साथ, वो हम बाद में जाके बात करेंगे आगे जाके, कि आप कैफीन डिपेंडेंट हो जाते हो। पर अभी के लिए इतना समझो कि जो कैफीन होती है अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो आपका डिप्रेशन कम करेगी। अब हम बात करेंगे तीसरे बेनिफिट की, जो कि है परफॉर्मेंस इनहांसिंग। मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस बोथ इंक्रीज होती है कैफीन के बाद। सो हम सबसे पहले समझते हैं कैफीन, जब आप कैफीन कंज्यूम करते हो, लेट्स से एम्प्टी स्टमक, 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक आपकी जो परफॉर्मेंस होती है पीक पे चली जाती है और वो कुछ लास्ट करती है 3 से 4 घंटे तक। ये हमारी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करती है, जब हम कैफीन कंज्यूम कर लेते हैं हमारी अलर्टनेस टॉप पे चली जाती है, जिससे हमारा रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पड़ी होती है तो उसको हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको कैफीन पिला के किसी सिटी के कैपिटल का नाम पूछे, आप बेटर पोजीशन में होंगे आंसर देने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में पड़ी है आप इजीली रिकॉल कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन। आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही शार्प हो जाता है कैफीन के बाद। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोर ब्रेन यूज होता है, हम फार बेटर पोजीशन में होते हैं वो ब्रेन सर्किटरी एक्सेस करने में। सो हम इजीली पुरानी पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर सकते हैं। जो रिसेंटली अभी मैं बात कर रहा था डोपामिन की, एसीटोकोलिन की, एपिनेफ्रिन की, ये बहुत सी जगह में रिलीज होते हैं। तो जब हम कैफीन पीते हैं ये स्पेशली फोर ब्रेन में रिलीज होते हैं। अब फोर ब्रेन में रिलीज होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता क्या है? आप क्लैरिटी ऑफ थॉट, वेलबींग, फोकस एंड अलर्टनेस, लर्निंग एंड मेमोरी। जी हाँ, ये सब बेनिफिट्स होते हैं जब फोर ब्रेन में ये केमिकल्स रिलीज हो। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, अगर आपने कुछ फोकस वर्क करना है, आप कैफीन को यूज कर सकते हो राइट बिफोर। अभी तक हमने जाना है कैफीन एक रीइंफोर्सर का काम करती है, एसीटोकोलिन को बढ़ाती है और डोपामिन को बढ़ाती है। और एक चौथी बात जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैफीन हमारे एडेनोसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हमें नींद आती है हम कॉफी पीते हैं हमारी नींद उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि एडेनोसिन एक केमिकल होता है हमारे ब्रेन में जो हमें स्लीपी बनाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जब उन्हें नींद आती है वो कॉफी पीते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है। मोस्ट ऑफ दी लोग, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोगों की नींद उड़ाती है कॉफी। ये कैसे वर्क करती है आज आप साइंस समझो इसकी। जब आप सुबह उठते हो, अगर आप बहुत ही अच्छी नींद लेके उठे हो, आपका जो एडेनोसिन का लेवल होता है 0 होता है। थ्रू आउट डे आप वेकफुल रहते हो, 8, 10, 12 घंटे, 14 घंटे के बाद एडेनोसिन का लेवल बढ़ता जाता है। जब वो 80 से 90%, 100% पे हिट करता है तो आपको बहुत खतरनाक वाली नींद आती है। लेट से आप सुबह 6 बजे उठे और नॉर्मली आप रोज 8 बजे सोते हो, तो 8 बजे के पास आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों आती है नींद? क्योंकि एडेनोसिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। लेट से शाम के 4 बज रहे हैं, आप स्लीपी फील कर रहे हो, आपका एडेनोसिन आपके ब्रेन में 80% है और आपने कैफीन पी ली। अब क्या होगा, जैसे पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करती है, कैफीन आगे आपके एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देगी। जब रिसेप्टर ब्लॉक होंगे उसमें एडेनोसिन बाइंड नहीं करेगी। जब बाइंड नहीं करेगी आपके ब्रेन को लगेगा, क्योंकि एडेनोसिन तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, पर वो रिसेप्टर को जब बाइंड करती है तब इफेक्ट होता है, तब नींद आती है। बट अब एडेनोसिन आपके रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकती तो आपको आपके ब्रेन को लगता है अभी आपको जागे हुए को बस 2-3 घंटे ही हुए हैं। सो आप अलर्ट फील करने लग जाते हो। बट इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि वो एडेनोसिन को एलिमिनेट नहीं करती। जी हाँ, ध्यान रखो, एलिमिनेट नहीं करती, बस रिसेप्टर को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करती है, जो कि पीरियड होता है 4 से लेके 8 घंटे तक, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। कभी कभी क्या होता है,
जब लेट से आपकी 80% एडेनोसिन पे आपने रिसेप्टर ब्लॉक किए, जब तक आफ्टर 4-5 घंटे बाद 80% वो और एडेनोसिन बनी हुई 100, 120, 130% तक हो सकती है और आपको इतना तगड़ा कैफीन क्रैश होगा, बहुत लंबी नींद सो सकते हो। सो उसको अवॉइड करने के लिए और कैफीन डिले करनी है फर्स्ट 60 to 90 minutes। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप सुबह उठते हो कभी भी जीरो एडेनोसिन के साथ कभी नहीं उठते, आप जागते हो शुरू के 60 मिनट आपकी एडेनोसिन एलिमिनेट होती रहती है सिस्टम से। सो ध्यान रखें कि आप 60 to 90 minutes का गैप लें सुबह कॉफी पीने से पहले, क्योंकि आपके सिस्टम से एडेनोसिन एकदम हट जाए और आप थ्रू आउट डे फिर आप ब्लड फील कर सकते हो। जब आप लेट से आप 90 मिनट बाद कॉफी कंज्यूम कर रहे हो तब आपके सिस्टम में बिल्कुल एडेनोसिन है नहीं, तो आपको दोपहर में नहीं तो कैफीन क्रैश हो सकता है आपको। वो कैफीन क्रैश ना हो तो आपको नींद ना आए दोपहर में, तो कैफीन को डिले करो, आप थ्रू आउट डे अलर्ट फील कर सकते हो। ये बहुत ही क्विक टिप है आपके लिए। आपको पता तो लग चुका होगा कि कैफीन पीने के कितने बेनिफिट्स हैं, पर कैफीन पीनी कितनी है, वो हेल्दी डोज है 1 mg to 3 mg पर किलो बॉडी वेट। लेट से आपका वेट 50 kg है तो आप 50 मिलीग्राम से लेके 150 mg तक कैफीन ले सकते हैं। 50 mg से लेके 150 mg तक आप कैफीन ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ डोज है। अगर आप इससे ऊपर जाओगे आप जिटरी फील करोगे, आपको एंजाइटी अटैक आ सकता है, आप में स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ सकता है, आपको स्ट्रेस फील कर सकते हैं। ये डोज से पहले हम बात करते हैं अगर आप कैफीन अडेप्टेड हो कि नहीं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कुछ कैफीन पीते हैं वो बहुत एंग्शियस फील करने लग जाते हैं, इसका मतलब वो कैफीन अडेप्टेड नहीं है। और जो लोग कैफीन पी के भी रिलैक्स एंड काम बैठ सकते हैं वो कैफीन अडेप्टेड है। आपको अपने आप मालूम लगाना है कि आपकी सही डोज क्या है। कुछ लोग बिल्कुल भी कैफीन अडेप्टेड नहीं है, उनको तो भी जिटरीनेस फील होने लग जाती है। उसका एक क्विक हैक आपको बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, कैफीन लेने के जस्ट आफ्टर थिनीन ले लो, 100 mg थिनीन। अगर आप कैफीन लेने के बाद पीते हो, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, जिटरीनेस, वो आप खत्म कर सकते हो। अगर आप थिनीन नहीं ले सकते, पानी में थोड़ा सॉल्ट डालो, पियो कॉफी के बाद, आपकी एंग्शियसनेस, आपकी स्ट्रेस, आपकी जिटरीनेस सब खत्म हो जाएगी। ट्राई करके देखो। बहुत सारे लोग रेगुलर कॉफी इंजेस्ट करते हैं। अगर आप 3 to 4 days वीक में एवरी अल्टरनेट डे कैफीन यूज करोगे, उसका जो आपको बेनिफिट सभी बताया है सभी, एक तो आप कैफीन डिपेंडेंट नहीं होंगे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगी हर चीज में, इवन एक्सरसाइज में और ऑल ओवर। अगर आप एवरी अल्टरनेट डे कॉफी पी रहे हो, एक दिन छोड़ के कैफीन पी रहे हो, वो ज्यादा इफेक्ट देगी आपको। अगर आप रेगुलर पी रहे हो, आप किसी टाइम में कैफीन डिपेंडेंट हो जाओगे, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ही पोटेंट, बहुत ह्यूज इफेक्ट देखना चाहते हो कैफीन का, रोज मत कंज्यूम कीजिए, एवरी अल्टरनेट डे कंज्यूम कीजिए, ये राइट ऑप्शन है। अगर आपको बड़ी छलांगे लगाते रहना है तो आप एवरी अल्टरनेट डे कंज्यूम करें, और सही डोज है 1 mg to 3 mg पर किलो बॉडी वेट। और 8 to 12 hours बेड सोने से पहले, लेट से आप 10 रात को सोते हो, 2 के बाद, 2 PM के बाद कैफीन बिल्कुल कंज्यूम ना करें, क्योंकि कैफीन की लाइफ 8 to 12 hours की होती है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैफीन आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है। आपको पता है वो एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक करती है, अगर एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक है तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग, मुझे पता है ये हाईली डिबेटेबल थिंग है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कैफीन पी के भी सो जाता हूँ। हाँ, आप सो सकते हो, आप एक्सेप्शनल हो दुनिया में, आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप बहुत खतरनाक इंसान हो। पर अगर आपको नींद भी आ जा रही है जस्ट आफ्टर कैफीन पीने के बाद, पर आपको डीप स्लीप नहीं मिलेगी, आप सो जाओगे, पर डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डीप स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अनदर टॉपिक है, इस पे हम बहुत ही एक अलग वीडियो बना के बात करने वाले हैं। बट मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारे टिश्यू रिपेयर है, हमारा ब्रेन क्लीन होता है डीप स्लीप में। अगर हमको डीप स्लीप नहीं मिल रही, ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे भी नहीं। सो गाइस, सबसे बड़ा नुकसान आपको बता दिया कैफीन का क्या हो सकता है, कि आप कैफीन डिपेंडेंट हो सकते हो, आप अच्छे से फंक्शन नहीं करोगे जब अगर आपको कैफीन नहीं मिली। आपको एवरीडे कैफीन पे जैसे लत लग जाती है, कैफीन की लत लग सकती है, वो बचने के लिए आप जो टूल यूज कर सकते हैं, एवरीडे कैफीन कंज्यूम ना कीजिए, एवरी अल्टरनेट डे कैफीन कंज्यूम करें, जो आपको बहुत ही बेनिफिट्स देगी और लॉन्ग टर्म स्टडी में पता लगा इसका कोई नुकसान नहीं है, सही अगर आप सही डोज में लेते हो। आपको बता चुके हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैफीन के साथ है, लोगों को जिटरीनेस, एंजाइटी अटैक, ये वो होता है, तो उसका आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है, आप अपनी डोज कम कर सकते हैं, और अगर स्टिल आप फील कर रहे हो तो आप थीनिन ले सकते हो और पानी में सॉल्ट डाल सकते हो।
ये आप टूल यूज कर सकते हो। तीसरा चीज बड़ा नुकसान कि आपकी नींद को खराब करती है, अगर आप सो भी रहे हो पर आपको डीप स्लीप नहीं मिल रही। आपको पता है डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गूगल कर सकते हो डीप स्लीप के बेनिफिट्स, अगर आप डीप स्लीप क्या होती है। सो गाइस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो, ये मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी गाइस। सो आई होप यू एंजॉयड इट, यू लाइक्ड इट, एंड मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, सो आपको बहुत ही कंसाइज वे में 10-15 मिनट्स के कंटेंट में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी बहुत अच्छे सोर्स हुबमन लैब पॉडकास्ट के। अगर आप व्यूअर हैं, आपको पता है हुबमन लैब, आपको बता दूं कि एवरी मंडे न्यू एपिसोड रिलीज होता है जो 2-2.5 घंटे का होता है। बहुत सारे लोग नहीं सुनते लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको समरी में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत कम टाइम में लेके आऊं। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड इट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू अगेन।